एंड सुल्पीज किचन में आप सबका स्वागत है। आपको पता है गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी पे भगवान गणेश को किसका भोग लगता है? मोदक का। और उनका भोग मोदक के बिना अधूरा है। मोदक कई तरह के बनते हैं। आज मैं आपको काजू के मोदक बनाना बताऊंगी। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान और सरल है, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। चलिए बनाते हैं काजू के मोदक। काजू के मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ 100 ग्राम टुकड़ा काजू लिया है। ये मैंने टुकड़ा काजू इसलिए लिया है क्योंकि मिक्सी में हमें पीसना है। 100 ग्राम चीनी ली है चाशनी बनाने के लिए। 100 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। मोदक बनाने का मोल्ड लिया है, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। जैसे गुजिया बनाने का मोल्ड आता है वैसे ही मोदक बनाने का मोल्ड आता है। ब्रश लिया है, मोल्ड को ग्रीस करेंगे घी या ऑयल से, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। अब हम काजू टुकड़ा को मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। मिक्स पाउडर बना लेंगे। मिक्सी में हमें रुक रुक कर चलानी है ताकि हीट ना जनरेट हो। हीट जनरेट होने से काजू अपना ऑयल रिलीज कर देंगे और पेस्ट बन जाएगा, जबकि हमें पाउडर बनाना है पेस्ट नहीं। देखिए काजू हमारा पीसकर पाउडर बन गया है एकदम ड्राई। गैस पर अब हम एक पैन रखेंगे और चीनी की एक तार की चाशनी बनाएंगे। या हम अपनी 100 ग्राम चीनी इसमें डालेंगे और एक कप पानी। अब इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये चाशनी पे उबाल आ गया है और ऐसे ही बीच बीच में हम इसको हिला हिलाकर चेक करेंगे। देखिए यहाँ चाशनी मेरी एक तार की बन चुकी है। अब हम गैस यहाँ बंद कर देंगे। अब इसमें हम सबसे पहले मिल्क पाउडर मिक्स करेंगे। देखिए मिल्क पाउडर मेरा मिक्स हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स करना है जिससे इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें अपना काजू पाउडर मिक्स करेंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स करना है, एक भी गुठली नहीं रहे। इस तरह से हम इसको अच्छे से पेस्ट जैसा बना लेंगे। अब ये मिक्स अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको थोड़ा सा हम ठंडा करने के लिए रखेंगे जिससे एक डो जैसा बन जाएगा। और ध्यान रखना जब हम इसको मिक्स करें हमारी गैस बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए। देखिए डो जैसा ये थोड़ा थोड़ा बनने लगा है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देंगे, 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए डो मेरा तैयार हो गया है। अगर आपको लगता है आपका डो नहीं बन रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर या काजू पाउडर मिक्स कर सकते हैं। अब मैं मोल्ड में अच्छे से स्प्रेड करूंगी, घी लगाऊंगी अच्छे से। इसमें मोल्ड में अच्छे से लगाना है और मोदक बनाती हूँ। देखिए कितना अच्छा मोदक बना है। देखिए कितना अच्छा मोदक बना है। अब इन्हें साइड कर देंगे। ऐसे ही हम अपना दूसरा मोदक बनाएंगे।
दूसरा मोदक मैं गुलकंद का बनाऊंगी। यह मैंने गुलकंद पतंजलि स्टोर से लिया है, आसानी से मिल जाता है और बहुत ही टेस्टी मोदक बनता है। इसके बीच में मैंने होल करके इसमें भर दिया है। देखिए ऊपर से नीचे से, देखिए कितना बढ़िया मेरा गुलकंद का मोदक भी तैयार हो गया। इसी तरह हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। मेरे काजू मोदक बनकर तैयार है विद गुलकंद। इस गणेश चतुर्थी काजू मोदक बनाइए, खुद भगवान गणेश जी को भोग लगाइए, खुद भी खाइए। बप्पा इस बार आपके घर जरूर पधारेंगे। मेरे काजू मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।